नमस्कार सभी को, मैं मत्तु केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से भाषा विषय में देखिए मुहावरा, तो मुहावरों का किस तरह से अर्थ होता है और उससे वाक्य हमें बनाना पड़ता है, इसकी जानकारी है कि जब परीक्षा में एग्ज़ाम में मुहावरा आता है तो मुहावरे का अर्थ लिख करके उससे ही एक वाक्य हमें बनाना होता है। तो आइए देखिए, यहाँ मुहावरों का मैंने लेखन किया है और उसके अर्थ भी लिखे गए हैं और उन अर्थों के आधार पर एक वाक्य भी बनाया गया है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से मुहावरों का अर्थ और उससे बने हुए वाक्यों का वाचन और लेखन देखते हैं। तो पहला मुहावरा है बच्चों, सफाई देना। सफाई देना, इसका अर्थ है देखिए, निर्दोष होने का तर्क देना। अर्थ है निर्दोष होने का तर्क देना और इससे वाक्य बनाया गया है, आजकल अपराधी भी सफाई देने से नहीं चूकते। तो सफाई देने से नहीं चूकते, ये हमारा क्या है, ये मुहावरा है। तो वाक्य बन गया, आजकल अपराधी भी सफाई देने से नहीं चूकते। दूसरा मुहावरा है देखिए, सीने में जमा होना। सीने में जमा होना, इसका अर्थ है घर कर जाना और इससे वाक्य बना हुआ है देखिए, बचपन में दादी ने जो स्नेह भाव दिखाया था वह आज भी मेरे सीने में जमा है। अर्थ बना है देखिए, सीने में जमा होना अर्थात घर कर जाना और इससे वाक्य बनाया गया है, बचपन में दादी ने जो स्नेह भाव दिखाया था वह आज भी मेरे सीने में जमा है। इसमें मुहावरे वाला शब्द है सीने में जमा। और तीसरा मुहावरा हम देखते हैं बच्चों, काम आना। काम आना, इसका अर्थ है सहायक सिद्ध होना। वाक्य बनाया गया है, सच्चा दोस्त वही है जो समय पर काम आए। सच्चा दोस्त वही है जो समय पर काम आए। और चौथा मुहावरा है देखिए, शरण देना। शरण देना, इसका अर्थ है ठिकाना देना या आश्रय देना। और वाक्य बनाया गया है देखिए, पड़ोस के गांव वालों ने बाढ़ से घिरे लोगों को शरण दी। पड़ोस के गांव वालों ने बाढ़ से घिरे लोगों को शरण दी। पांचवा देखिए शब्द मुहावरा है, दर दर की ठोकरे खाना। दर दर की ठोकरे खाना, इसका अर्थ है जगह जगह भटकना। तो वाक्य है देखिए, असहाय गरीब दर दर की ठोकरे खा रहा था। असहाय गरीब दर दर की ठोकरे खा रहा था, तो इस तरह से इससे वाक्य बनाया गया है कि दर दर की ठोकरे खाना। और आपको जानकारी है कि जो शब्द दिया गया है वो शब्द वाक्य में आना चाहिए, तो वाक्य बनाते समय मुहावरे वाला शब्द जो है वाक्य के अंतर्गत आना चाहिए। तो शब्द है दर दर की ठोकरे खाना, ये मुहावरा है, तो इसका अर्थ होता है जगह जगह भटकना। और इसका वाक्य बनाया गया, असहाय गरीब दर दर की ठोकरे खा रहा था। और अंतिम छठा मुहावरा है देखिए किस तरह से है, सिर छिपाना। सिर छिपाना, इसका अर्थ है आश्रय ढूंढना। सिर छिपाना, आश्रय ढूंढना। तो वाक्य बना है, वर्षों बाद संजय को सिर छिपाने की जगह मिली। वर्षों बाद संजय को सिर छिपाने की जगह मिली, ये वाक्य बनाया गया है। और इस वाक्य में मुहावरे वाला शब्द है सिर छिपाना। तो इस तरह से
हमें मुहावरे का वाक्य बनाते समय वह शब्द आना चाहिए। और अंतिम मुहावरा है, देखिए, सिर झुकना। सिर झुकने का अर्थ है लज्जित होना, अर्थात कोई ऐसा काम कर अपराधी वृत्ति का कार्य करने पर लोगों की सिर झुक जाता है। इससे देखिए बड़ा वाक्य बना हुआ है, लेकिन देखिए लेखा जोखा में हेर फेर करने से सेठ जी को पता लग जाने पर मुनीम जी का सिर झुक गया। इससे आप छोटा वाक्य भी बना सकते हैं, परीक्षा में फेल हो जाने पर मोहन का सिर झुक गया। वाक्य हम छोटा भी बना सकते हैं कि परीक्षा में फेल होने पर मोहन का सिर झुक गया। परीक्षा, ये वाक्य जो पहला है ये बड़ा है, तो छोटा वाक्य हम बना देते हैं। वाक्य हमारा बन गया, परीक्षा में फेल होने पर रोहन का, ये शब्द आना चाहिए, रोहन का सिर झुक गया। सिर झुक गया। तो वाक बनाते समय हमें मुहावरे वाले शब्द का ध्यान रखना है। तो जैसे सिर झुकाना, इसका अर्थ होगा लज्जित होना। वाक मैंने बनाया लेखा जोखा में हेर फेर करने का सेठ जी को पता लग जाने पर मुनीम जी का सिर झुक गया, ये बहुत बड़ा वाक्य है। तो छोटा वाक्य हमने बना दिया, परीक्षा में फेल होने पर रोहन का सिर जो है झुक गया। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप दिए गए मुहावरों का अर्थ क्या है, अर्थों को समझिए, उसके वाक्यों को, उससे द्वारा वाक्यों को बनाइए और इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।